हिमाचल के कुल्लू में लगातार हो रही भारी बारिश से पूरी उफान पर नदियां, प्रशासन ने जारी किया अलर्ट, किनारे रह रहे लोगों को हटाया गया, आज सभी स्कूल और कॉलेजेस बंद। हिमाचल के कुल्लू में बाढ़ में फंसे लोगों का रेस्क्यू, हेलीकॉप्टर की मदद से बाढ़ में फंसे लोगों को बचाया गया। पहाड़ों पर हो रही भारी बारिश से हिमाचल के मनाली में बाढ़ जैसे हालात, मनाली में नदी किनारे बस स्टैंड से वॉल्वो बस बाढ़ में बह गई। हिमाचल के कुल्लू में ब्यास नदी में बाढ़ से तबाही, बाढ़ के पानी में बह गया ट्रक। हिमाचल के चंबा में जमीन खिसकने और बर्फबारी से कई सड़कें बंद, कई इलाकों के लोग एक दूसरे से कटे। जम्मू कश्मीर में भी लगातार हो रही भारी बारिश से लोगों की बड़ी मुश्किलें, उधमपुर में तवे नदी में फंसे एक युवक को एसडीआरएफ की टीम ने बचाया। उत्तराखंड के बद्रीनाथ, केदारनाथ, हिमकुंड साहिब की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी, मौसम में बदलाव के कारण केदारनाथ में बढ़ी ठंड, केदारनाथ के चारों ओर छाया घना कोहरा। हिमाचल के रोहतांग में भारी बर्फबारी, काजा और कुंजुम दर्रा में 10 से 15 सेंटीमीटर तक बर्फबारी, लाहौल स्पीति में पहाड़ बर्फ की सफेद चादरों से ढका। दो दिन के सिक्किम दौरे पर पीएम मोदी आज पाक्योंग ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का करेंगे उद्घाटन। पीएम मोदी पाक्योंग में सेंट जेवियर स्कूल में लोगों को संबोधित भी करेंगे। पहाड़ों पर अचानक हुई मौसम में बदलाव का दिल्ली एनसीआर में भी असर, सितंबर में भी दिल्ली एनसीआर में हो रही है बारिश, गुरुग्राम में बारिश से सड़कों पर जल जमा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सिक्किम को देंगे सौगात, इससे पहले कल बागडोगरा से MI-8 हेलीकॉप्टर से गैंगटॉक पहुंचे पीएम मोदी। सेना के लिविंग हेलीपैड पर राज्यपाल गंगा प्रसाद और मुख्यमंत्री पवन चामलिंग ने उनका किया स्वागत। सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक से 30 किलोमीटर दूर पाक्योंग में बना है ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, 4500 फीट ऊंचाई पर बना ये एयरपोर्ट देश का 100वां वर्किंग एयरपोर्ट होगा। एयरपोर्ट चाइना बॉर्डर से सिर्फ 60 किलोमीटर दूर है, यहाँ से उड़ने वाले एयरफोर्स विमानों को चीन सीमा तक पहुंचने में कुछ ही मिनट का समय लगेगा। हाल ही में वायुसेना का एक डॉनियर 228 पर ट्रायल के लिए उतारा गया था। रफाल विवाद को लेकर आज कांग्रेस सेंट्रल विजिलेंस कमीशन यानी कि CVC के पास जाएगी, सौदे की जाँच की मांग करेगी। राहुल के PM पर विवादित टिप्पणी करने पर अरुण जेटली का राहुल पर तीखा पलटवार, का सार्वजनिक जीवन लाफ्टर चैलेंज नहीं, कभी आप किसी को गले लगा लो, आंख मारो, फिर गलत बयान 10 बार देते रहो। रफाल डील पर ओलांद के बयान के बीच के पीछे अरुण जेटली ने जताई साजिश की आशंका, ओलांद के बयान पर कहा 30 अगस्त को राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा पेरिस में कुछ धमाके होने वाले हैं और उसके बाद वही हुआ जैसा कि उन्होंने कहा था। अरुण जेटली ने कहा किसी के कुछ भी कहने से, आरोप लगाने से रफाल डील कैंसिल नहीं होगी, रफाल वायुसेना की जरूरत है और इसीलिए वो देश में जरूर आएगा। वित्तमंत्री ने कहा विपक्ष के हर आरोप का जवाब नहीं देंगे पीएम। जेटली ने यूपीए सरकार के दोनों कार्यकाल के सबसे उसे भ्रष्ट बताया, बोले रफाल डील में देरी कर कांग्रेस ने सेना का नुकसान किया। झारखंड की राजधानी रांची में पीएम मोदी ने दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत की शुरुआत की, देश के 10 करोड़ परिवार के 50 करोड़ लोगों को मुफ्त में इलाज कराने की सुविधा। आयुष्मान योजना के शुभारंभ के मौके पर पीएम मोदी ने योजना के पहले 5 लाभार्थियों को बांटे गोल्डन कार्ड, आयुष्मान योजना की ई हेल्थ कार्ड से अस्पतालों में सरकारी खर्च पर होगा मुफ्त में इलाज। दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत में गरीब लोगों को मुफ्त इलाज मिलेगा, 5 लाख तक के इलाज का पूरी तरह से कैशलेस होगा, इसमें से 60% पैसा केंद्र, 40% पैसा राज्य सरकार देगी। पीएम मोदी ने झारखंड में 10 हेल्थ और वेलनेस सेंटर का शुभारंभ किया, इन वेलनेस सेंटरों पर लोगों को स्वास्थ्य सेवा आसानी से मिलेगी, बीमारी के इलाज के साथ साथ हेल्थ चेकअप की भी सुविधा होगी। पीएम मोदी ने कहा इस योजना से अब गरीबों को भी मिलेगा अमीरों जैसा इलाज, इलाज में गरीब और अमीर में कोई फर्क नहीं होगा, हमारी सारी योजनाएं गरीबों के सशक्तिकरण के लिए है। पीएम मोदी ने झारखंड को 2 और सौगातें दी, चाईबासा और कोडरमा में मेडिकल कॉलेज की आधारशिला रखी, 328 करोड़ की लागत से बनेगा कोडरमा मेडिकल कॉलेज, तो चाईबासा मेडिकल कॉलेज पर 272 करोड़ का आएगा खर्च। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने कहा स्वास्थ्य जगत में लंबी छलांग लगाने वाला ऐतिहासिक दिन है, आयुष्मान भारत बुलंद इरादे का फैसला, आयुष्मान भारत योजना पेपरलेस, कैशलेस और पोर्टेबल होगी।
झारखंड के सीएम रघुवर दास ने कहा, आजादी के 70 साल में भारत में पहली बार किसी पीएम ने भगवान बिरसा मुंडा को लाल किले से याद किया। मेडिकल कॉलेज और वेलनेस सेंटर के लिए पीएम को कहा धन्यवाद। यूपी के गोरखपुर में से सीएम योगी ने की आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत। का लोक कल्याण की इससे बड़ी कोई योजना नहीं हो सकती, इसके जरिए लोगों को लाभ मिलेगा। मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री आरोग्य निरामय योजना का आगाज किया। प्रदेश के 37 लाख लोगों को मिलेगी 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा। सीएम का बयान, अब पैसों की कमी से दम नहीं तोड़ेगा गरीब। छत्तीसगढ़ के रायपुर में सीएम रमन सिंह ने किया प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का शुभारंभ। का अब इलाज में नहीं होगी पैसे की कमी। आयुष्मान भारत योजना की लॉन्चिंग पर पटना के ज्ञान भवन में कार्यक्रम। सीएम नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम सुशील मोदी, राज्यपाल लालजी टंडन मौजूद रहे। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आज 2 दिन के अमेठी दौरे पर जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट विजिलेंस एंड मॉनिटरिंग कमेटी की मीटिंग में होंगे शामिल। राहुल गांधी 1 अक्टूबर को वर्धा जाएंगे। वर्धा के सेवाग्राम में 2 अक्टूबर को सीडब्ल्यूसी की बैठक होगी। कांग्रेस के इतिहास में ऐसा पहली बार होगा। मनोहर पर्रिकर बने रहेंगे गोवा के सीएम। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने ट्वीट कर कहा, पर्रिकर के हाथ होगा सरकार का नेतृत्व, लेकिन जल्द हो सकता है मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल। गोरक्षा के नाम पर हिंसा केस में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। पिछली सुनवाई में राज्य से रिपोर्ट मांगी थी। दिल्ली में सीलिंग मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने कहा था सीलिंग ड्राइव में किसी की रुकावटों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिहार के गया में विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेले का डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने किया उद्घाटन। मेले में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। पिंडदान के लिए देश विदेश से आते हैं श्रद्धालु। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में टीडीपी विधायक सर्वेश्वरा राव की नक्सलियों ने की हत्या। एक पूर्व विधायक की भी हत्या। 50 से ज्यादा नक्सलियों ने घेर कर मारा। नक्सलियों में महिलाएं भी थी शामिल। विशाखापट्टनम में विधायक की हत्या के बाद गुस्साए लोगों ने कांस्टेबल पर उतारा गुस्सा। भीड़ ने कांस्टेबल की जमकर पिटाई की। बिहार के पटना में राजभवन मार्च के दौरान हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के कार्यकर्ताओं पर पुलिस का लाठीचार्ज। हम कार्यकर्ता झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले इस विस्थापितों को लेकर निकाल रहे थे मार्च। राजस्थान के बूंदी में खेड़ा सरपंच ने युवक को लाठियों से बुरी तरह से पीटा। वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने आरोपी सरपंच को किया गिरफ्तार। मामले की जांच जारी। बिहार के मुजफ्फरपुर में दिन दहाड़े पूर्व में असमय 2 लोगों की गोली मारकर हत्या। वारदात में ऑटोमेटिक हथियार का इस्तेमाल। मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। बिहार के मोतिहारी में दिन दहाड़े पुलिस के सामने एक छात्र की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। हत्या का आरोपी छात्र मृतक का परिचित। एक आरोपी पकड़ा गया तो दूसरा फरार। बिहार के समस्तीपुर में भी बदमाशों ने पुलिस को दी खुली चुनौती। सरेआम किराना व्यवसायी की गोली मारकर हत्या। मोटरसाइकिल सवार 3 बदमाशों ने व्यवसायी को एक के बाद एक 3 गोली मारी। झारखंड में मानव तस्करी का किंग पिन प्रभाव मुनि दिल्ली से गिरफ्तार। झारखंड एटीएस की टीम ने किया अरेस्ट। सिमडेगा और गुमला जिले में सैकड़ों लड़कियों की तस्करी मामले में थी तलाश। यूपी के संभल में 3 तलाक और हलाला पीड़िता और उसके भाई पर एसिड अटैक। 3 सप्ताह पहले पति ससुर और 2 मौलवियों समेत 5 लोगों के खिलाफ दर्ज कराया था केस। मध्य प्रदेश के सतना जिला अस्पताल में बड़ी लापरवाही। हादसे में घायल हुए दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री अमित कुशवाहा और 3 सहयोगियों को भी नहीं मिला इलाज। घंटों बाद भी नहीं पहुंचा कोई डॉक्टर। निजी अस्पताल में करवाना पड़ा इलाज। मध्य प्रदेश के रायसेन में डीजे बजाने को लेकर हुए विवाद के बाद 2 गुटों में संघर्ष। जमकर चले पत्थर। बदमाशों ने दुकानों में भी की तोड़फोड़ और आगजनी। 2 पुलिसकर्मियों समेत 8 लोग घायल। ग्वालियर के स्नेहालय में दिव्यांग बच्चियों से रेप के मामले में खुलासा खाने के बाद दी जाती थी नींद की गोलियां। महिला और बाल विकास टीम को निरीक्षण के दौरान मिली कई आपत्तिजनक इंजेक्शन और दवाइयां। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में फिर हुआ हंगामा। अराजक तत्वों ने स्टूडेंट से की मारपीट। धरने पर बैठी छात्राएं। चीफ प्रॉक्टर और सुरक्षा कर्मियों पर उपद्रवियों को भगाने का आरोप। नोएडा में पीएनबी में 2 गार्ड्स की हत्या के मामले में सामने आया एक सीसीटीवी फुटेज। फुटेज में गार्ड की वर्दी पहने एक बदमाश बैंक का लॉकर खोलने की कोशिश कर रहा है। यूपी के फिरोजाबाद बस स्टैंड पर ड्राइवर और कंडक्टरों के झगड़े में जमकर हंगामा हुआ। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराया।
यूपी के मुरादाबाद में मंदिर में गाना बजाने को लेकर दो समुदायों के बीच विवाद। दोनों गुटों ने एक दूसरे पर जमकर किया पथराव। पुलिस ने मौके से 5 लोगों को हिरासत में लिया।